रील बनाने पानी में उतरे दो भाई डूबे। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बहराणी, आप जुड़े हैं राजस्थान राइज फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर के बाकासर क्षेत्र के नवापुरा सरद में दो सगे भाई पानी के गड्ढे में डूबने का मामला। दोनों भाइयों को पानी से बाहर निकालने का प्रयास और रेस्क्यू लगातार जो है वो जारी है। सूचना पर बाकासर पुलिस टीम एवं पटवारी मौके पर पहुंचे हैं। सुजा गांव निवासी अशोक और दलपत को बाहर निकालने का किया जा रहा है प्रयास। चारों ही दोस्त ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहे थे गुजरात। थराद के रास्ते में पानी देखकर नहाने के लिए उतरे थे। फिलहाल जो है दोनों भाइयों को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू जारी है और बाड़मेर से रेस्क्यू सिविल डिफेंस टीम को भी बुलाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों का क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। हमें थाने पर इतना मिली थी 3:45 बजे करीबन कि ये बावरवाड़ा गांव से आके नवापुरा गांव से बोल रहे, एक नदी चलती है थोड़ी देर, उसके अंदर दो लड़के डूबने की इच्छा थी। मैं और मेरा स्टाफ मौके पर आए तो पता किया कि हाँ, सुजो का निवान गांव है, वहाँ से दो ट्रैक्टर लेके वहाँ से जा रहे थे। तब उन्होंने यहाँ दोनों ट्रैक्टर रोक दिए और तीन लड़के थे वो तो नदी के अंदर सेल्फ लेने लगे। एक लड़का सेल्फ ले रहा था, एक निकल गया, दो सेल्फ लेते हुए इस नदी के अंदर डूब गए। अभी तक तलाश जारी है, यहाँ लोकल गोताखोरों से तलाश करा रहे हैं। सर कितनी समय हुई है उनके पास चल रहा है? अभी करीबन 2 घंटे होने वाले हैं। अभी तक रेस्क्यू में लोकल तैराकी यहाँ मौजूद थे, उनकी सहायता से पता कर रहे हैं लाशों की। सर बाकासर थाना क्षेत्र के बावरवाड़ा में एक घटना घटी, क्या पूरा मामला है, आप मौके पर पहुंचे? जी, हमें सूचना मिली कि कोई बाकासर में नयापुरा है, वहाँ लोणी नदी बहती है, उसके बाव क्षेत्र में गए, चार जने नहा रहे थे जिसमें से दो डूब गए। तो तुरंत मैं मेरे पटवारी आरआई के साथ तुरंत मौके पहुंचा और जो डूब दो बच्चे डूब गए हैं उनकी तलाश की जा रही है, जल्दी कर दी जाएगी और पूरा प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पे है, जल्दी जल्दी ढूंढ लेंगे हम। सर यहाँ रिक्शो टीम नहीं है, आगे प्रशासन अधिकारी को सूचना दी है क्या यहाँ टीम अपलोड करने की? बिल्कुल सूचना है, एसडीएम साहब लगातार संपर्क में मेरे और मेरी पूरी टीम, मेरी रेवेन्यू की टीम यहाँ पे है, पुलिस प्रशासन है, तो अभी जैसे ही ढूंढते तो इनको जैसे ही अब आगे के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।